तारे सितारे एवं ग्रह नक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्म राशि का हाल। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं दैनिक राशि फल दिनांक 18 नवंबर 2023 शनिवार के दिन का। तो आज के दैनिक राशि फल के अनुसार आज शुभ ग्रहों की दृष्टि व भगवान शनिदेव की कृपा से आज 12 में से 8 राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। इन 8 राशि वालों में आज है मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले लोग। वहीं अन्य राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य का राशिफल, नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शनिवार का दिन है। आज दिन की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से होगी और धनु राशि में चंद्रमा का संचरण होगा। आज सूर्योदय प्रातःकाल 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम के 5:26 पर होगा। आज राहुकाल प्रातःकाल 9:26 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 10:45 तक राहुकाल रहेगा। तो आज राहुकाल के दौरान आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें। इस समय अवधि में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें। आज दिशा सोल रहेगा पूर्व दिशा में। तो आज के दिन आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ नहीं करें। पूर्व दिशा की यात्रा से भी आप बचें। यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो अपने इष्ट देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करके या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं। और आज का सर्वश्रेष्ठ अति श्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा प्रातःकाल 11:44 से आरंभ होकर के दोपहर 12:27 तक सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप कोई भी शुभ मांगलिक व नया कार्य आरंभ कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तु की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस मुहूर्त में आप कर सकते हैं। तो अब जानिए अपनी जन्म राशि के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुभ रहे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिले। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है आप अपनी प्रतिभा व योग्यता के द्वारा किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आज समर्थ रहेंगे। आज ध्यान रखिए कि स्वयं के विकास के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थपन लाना आपके लिए जरूरी रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान होगा। आज जो है दूसरों की बातों में न आकर अपनी योग्यता और कार्य क्षमता पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके कुछ नज़दीकी लोग ही आपके लिए रुकावट और अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं और कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना आपके लिए चुनौती रहेगी। आज के दिन कार्य क्षेत्र में मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु आपके इसके उचित परिणाम भी आपको मिलेंगे। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। समय का भरपूर सदुपयोग करें। विद्यार्थी वर्ग को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी, इसलिए अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। परिवार के साथ कोई धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। खर्चे अधिक रहेंगे लेकिन आपको लाभ संबंधी स्थितियां बनी रहेगी, इसलिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप अपने उम्र स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंध बना सकते हैं, इसलिए अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखें। दूर दराज के क्षेत्रों के साथ नए व्यापारिक संपर्क बनेंगे, साथ ही पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्रोत उत्पन्न कर सकती है। आज आपका भाग्यशाली अंक 9 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है, प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शिव जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें,
कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज जो है आपका कोई सपना साकार हो सकता है, इसलिए अपने कार्यों को पूरी लगन के साथ ध्यान केंद्रित करके करें। परिवार से जुड़े कार्यों को भी पूरा करने में आप विशेष योगदान दे पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग को किसी प्रतियोगिता में उचित परिणाम मिलेंगे। ध्यान रखें कि छोटी सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती है। किसी भी निर्णय की स्थिति में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। बोलचाल के लहजे में सुधार लाएं। कई बार आपके गलत शब्दों के प्रयोग से कुछ लोगों में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है, जबकि आपकी कोई मंशा भी नहीं होती है। और व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार व्यवसाय स्थल पर उचित व्यवस्था रहेगी और आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। कर्मचारियों की मदद से आप कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल कर पाएंगे, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 90% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वांकुर चढ़ावें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और स्नेह परिवार पर बना रहेगा। आध्यात्म से जुड़ी किसी विशेष बात को गहराई से जानने में रुचि रहेगी और कुछ नई जानकारियां आपको मिल सकेगी। किसी महत्वपूर्ण यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लेना उचित रहेगा और आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करें। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इस वजह से कोई काम बनते हुए आपके बिगड़ सकते हैं। इस दिन कुछ रुकावट आपको ज़्यादा रहेगी। इस समय व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित अभी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। इस समय धैर्य और संयम से काम ले, आपको सफलता मिलेगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका सफ़ेद रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनिदेव की पूजा करें। शनि देवता को काले उड़द और तिल का तेल अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। भाग्य के सितारे आपके मजबूत रहेंगे, अतः समय का उपयोग करें, सम्मान करें। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ समय व्यतीत करने से खुद को भी भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस कर पाएंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए उचित रिश्ते आने की संभावना रहेगी। कहीं भी निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित आपको करना चाहिए। और आज आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए समय कम निकाल पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ आपके कार्य स्थगित हो सकते हैं। कारोबार में मेहनत ज़्यादा करना होगी, नतीजे भी कुछ कम मिल पाएंगे। जल्दबाजी की वजह से आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। आज आपका भाग्यशाली अंक 7 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की पूजा करें, सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प चढ़ावें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को भी हासिल करने में सफल रहेंगे। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधित मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे और अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य अधूरे रह सकते हैं। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में धैर्य से काम लेना चाहिए। इस समय किसी भी काम को स्वयं पूरा करने की कोशिश करें। दूसरों पर विश्वास रखना नुकसानदायी हो सकता है। इस समय व्यवसाय में नई योजनाएं और चुनौतियां आपको रोमांचित करेगी। आप काम को सच्ची लगन और गर्मजोशी से पूर्ण करने का प्रयत्न करें। ध्यान रखें कि अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित आपको रखना चाहिए। नौकरी पेशा लोग किसी भी मामले में किसी से उलझने से बचें। आज आपका भाग्यशाली अंक 3 है। शुभ रंग आपका पीला रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 83% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनिदेव की पूजा करें, शनि देवता को ऋतु फल अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है तुला।
तुला राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। रोजमर्रा के दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधि में भी आपकी उपस्थिति और विचार आपके सराहनीय रहेंगे। आपको अपनी किसी काबिलियत की वजह से कोई उपलब्धि मिल सकती है और कोई भी निर्णय लेते समय अपने विचारों को ही प्राथमिकता आपको देना चाहिए। दूसरों की सलाह पर अमल करना आज नुकसानदायी हो सकता है। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय में काम की क्वालिटी और अधिक बेहतर बनाए रखना चाहिए। सरकारी गतिविधि से जुड़े व्यवसाय लाभ की स्थिति में रहेंगे। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों के को कोई फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता की वजह से आप थोड़े अपसेट हो सकते हैं। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 85% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करें। मिठाई का नैवेद्य चढ़ावें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज जो है अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य और मार्गदर्शन में रहने से बहुत कुछ बेहतरीन कर पाएंगे और सीखने को मिलेगा। उनका मान सम्मान बनाए रखें। साथ ही अपने जीवन में आ रहे बदलाव को स्वीकार करें। यह बदलाव आपके लिए बेहतरीन भी साबित होंगे। आज लेन देन संबंधी मामलों को स्थगित रखें या सावधानी से काम करें। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातें अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने दें, क्योंकि इससे आपका दिन खराब हो सकता है। इस समय धैर्य और शांति से समय के व्यतीत करने का दिन है। अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली संबंधी नीतियों में परिवर्तन लाएं। इस समय अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक आपको समर्पित रहना चाहिए। चिंतन करने की भी आवश्यकता है। सरकारी सेवारत लोगों को पदोन्नति के योग हैं। कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज आपका भाग्यशाली अंक 2 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 83% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को ऋतु फल का भोग अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि किसी खास व्यक्ति के साथ आपका वार्तालाप होगा या संबंध होगा। आपके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी। फाइनेंस संबंधित कार्यों को पूरा करने में ज्यादा अहमियत देना चाहिए। संतान की शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास सफल रहेंगे। इस समय किसी भी प्रकार का अतिरिक्त काम अपने हाथ में नहीं लें, वरना अत्यधिक थकान की वजह से आपकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। इसकी वजह से आपके व्यक्तिगत कार्य में रुकावटें आएंगी और वाहन से जुड़ा कोई खर्चा भी आपके सामने आ सकता है। बिजनेस का रुका हुआ काम पूरा हो सकेगा। साथ ही कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। ध्यान रखें कि किसी भी सहयोगी के साथ मनमुटाव की स्थिति नहीं बने। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर कार्य की अधिकता बनी रहेगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका लाल रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार की पूजा करें। पंचमेवा का भोग लगावें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। कुछ मिले जुले प्रभाव वाला दिन रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में समय व्यतीत होगा, जिससे सकारात्मक और ऊर्जावान स्वयं को महसूस करेंगे। भाइयों के साथ आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और चल रहा कोई विवाद भी दूर होगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना आपकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा, इसलिए अपनी इस कमजोरी पर नियंत्रण रखें। युवा वर्ग ध्यान रखें कि मस्ती और दोस्तों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करने से अपनी पढ़ाई और करियर का नुकसान कर सकते हैं। किसी नए काम को शुरू करने की योजना बना सकते हैं, उस पर और अधिक सोच विचार करना चाहिए। व्यावसायिक संपर्क सूत्रों और पार्टियों के साथ मेल मुलाकात बनाए रखें तथा व्यापारिक गतिविधियों के बारे में चर्चा करें। सरकारी मामलों में अभी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी। आज आपका भाग्यशाली अंक 6 है। शुभ रंग आपका नीला रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 86% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शनि देवता के मंदिर में काले वस्त्र में उड़द रख करके दान करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी।
अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कोई भी मुश्किल आने पर किसी शुभ चिंतक से विचार विमर्श अवश्य करें, इससे आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापिस लेने की संभावना है और समाज सेवी कार्य के प्रति आपका विशेष योगदान बढ़ेगा। आज पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझें, इसकी वजह से आपके परिवार में तनाव हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह हो सकते हैं। खर्च पर काबू रखना आज आपके लिए जरूरी रहेगा। समय के अनुसार व्यवसाय की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करते रहना आपके लिए जरूरी रहेगा। मीडिया तथा ऑनलाइन कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, इससे व्यवसाय को गति देने में सहायता मिलेगी। नौकरी में किसी भी सहयोगी के साथ व्यर्थ की बहस में नहीं उलझे, वरना आपका नुकसान हो सकता है। आज आपका भाग्यशाली अंक 5 है। शुभ रंग आपका हरा रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 75% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात शिव परिवार की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। शुद्ध घी का दिया जला करके मिश्री का भोग अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, डेली रूटीन के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित लेन देन के कार्यों में फायदेमंद डील हो सकती है, इसलिए इन कार्यों में अपना ध्यान केंद्रित रखें। ऊपर दिए हुए उधार दिए हुए पैसों की वापसी होना संभावित है। खुद को व्यस्त आज रखें, क्योंकि कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसलिए अपने विचारों पर आज मनन करने की आवश्यकता है। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कम कर पाएंगे। मन को एकाग्र रखें और कारोबारी मामलों में इस समय कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में परेशानी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करना उचित रहेगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से आज आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपका भाग्यशाली अंक 8 है। शुभ रंग आपका गुलाबी रंग है। आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा। आज आपका विशेष उपाय इस प्रकार से है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात भगवान शनि देवता की पूजा करें और शनि देवता को ऋतु फल मिठाई का भोग अर्पित करें। कार्य में अच्छी सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह दैनिक राशिफल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर मिलेंगे।